खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिला प्रशासन व समाज सेवियों के द्वारा चलाए जा रहे रक्तदान शिविर का आयोजन रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में अभी तक 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपको बता दें, रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर महिलाएं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया है। वहीं इस बार शिविर पर रीवा कमिश्नर, कलेक्टर व एसपी भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस बार महिलाओं ने भी सबसे ज्यादा रक्तदान किया है। वहीं रक्तदान शिविर में कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। रीवा कमिश्नर व रीवा एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान महादान होता है। रक्त देने से कोई भी बीमारी नहीं होती। रीवा जिले में किसी भी मरीज को रक्त की कमी न पड़े, इसलिए जिला प्रशासन व समाज सेवियों द्वारा यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने रक्तदान करने के बाद सेल्फी लेते भी नजर आए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा रक्त वीरों को प्रमाण पत्र व मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। मेरा नाम सोनम सिंह बघेल है। मुझे, मैं पहली बार ब्लड डोनेट की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे यूथों को मेरा यही संदेश है कि वो भी आगे आके हिस्सा लें ब्लड डोनेट के लिए। थैंक यू। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंडों ने दिया है, टीआरएस कॉलेज से। आकाश द्विवेदी, मैं पहली बार अपना रक्तदान कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज रक्तदान करके, बहुत अच्छा लगा। ये रक्तदान बहुत हमेशा याद रहेगा, हमें हर बार करेंगे रक्तदान, अच्छा लगा। अंकुश भारती, हाँ सर, मैं पहली बार ब्लड दे रहा हूँ। ब्लड देना अच्छी बात होती है, और हम सभी छात्रों को कहेंगे कि वो ब्लड दें। ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है, नया ही ब्लड आएगा अपने शरीर पर, इसीलिए ब्लड देना ज़रूरी है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में आज जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में रीवा की सभी सामाजिक संस्थाओं के और सभी विभागों के सहयोग से एक ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहां कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में विगत वर्ष भी किया गया था, जिसमें 532 यूनिट इकट्ठा हुआ था ब्लड। इस बार भी जिला प्रशासन और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में ये कैंप आयोजित किया गया है। देख आप पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है, बड़ी संख्या में लोगों में जोश है। युवा हैं, महिलाएं हैं, एक ही परिवार के पति पत्नी आशीष जी और विभा जी ने, एक ही घर के दो लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ऐसे तमाम लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा, और इस बार रीवा पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में ब्लड डोनेशन के लिए अपना अलग नाम स्थापित करेगा। महिलाएं भी कर रही हैं, अभी डॉक्टर साक्षी अंबेडकर ने किया है, बहुत सारी JNCT, मॉडल साइंस, TRS कॉलेज की गर्ल्स लगातार बड़ी संख्या में कर रही हैं। ये अपने आप एक ऐतिहासिक बात है। अक्षी सहदिशा समिति की ओर से मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन किया है, और मुझे वो करके बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि एक बार रक्तदान ज़रूर करें, क्योंकि रक्तदान जो होता है वो महादान होता है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आगे जो भी प्रोग्राम होगा उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी। आज जिला प्रशासन ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, और लोगों में बड़ा उत्साह है। लगभग 400 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। और टारगेट जो रखा है जिला प्रशासन ने, लगभग 500 यूनिट का टारगेट है। जैसा आप जानते हैं कि जो रक्तदान है ये महादान है, और इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है, और रक्तदान करने से कहीं ना कहीं हम किसी का जीवन बचाते हैं। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सी जगह पर कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और तात्कालिक रूप से उसको, जो भी मरीज होता है उसको रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्तदान करके जब ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध होता है, तो तत्काल हम उसको रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाते हैं। और मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हों, और आज रक्तदान तो करें ही इस कैंप में, इसके अतिरिक्त जो भी विशेष अवसर अपना उनका आता है, चाहे जन्मदिन है या कोई भी और अवसर है, तो ब्लड बैंक में जाके या मेडिकल कॉलेज में जाके या हमारे जिला अस्पताल में जाके रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, और इससे हम किसी न किसी लोगों की अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिला भी यहाँ आई हैं, और उनमें भी बहुत उत्साह है। मैं समझता हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में उत्साह होता है,
और वो ज़्यादा संख्या में उपस्थित होती हैं। हाँ, स्टूडेंट भी ले रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आज का हमारा जो रक्तदान है निश्चित रूप से सफल होगा। इसमें बहुत सारे संगठन भी जुड़े हुए हैं, व्यापारिक महासंघ भी है और भी स्वैच्छिक संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से जो जिला प्रशासन ने रक्तदान शिविर आयोजित किया है निश्चित रूप से वह सफल होगा और उसके लिए जितने भी संगठन और हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, कलेक्टर साहब हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई भी ज्ञापित करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आयोजन हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में आज लोगों ने अपने जोश का परिचय दिया है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है, इसके कारण हम लोग इस सफल आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। गत वर्ष 1 अक्टूबर को 525 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, आज हमारा टारगेट है कि इसको हम और अधिक संख्या तक ले जाएं। और आपसे भी अपील करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो लोग यहाँ पर और आना चाहें, शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कृपया करके आके ब्लड डोनेशन करके समाज के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जय हिंद।